फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। आज का मेरा टॉपिक है गर्ल्स ग्रो कैसे करें, हाउ टू बी अ स्मार्ट गर्ल, या गर्ल जो है वो स्मार्ट कैसे बने। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टेक केयर ऑफ हेल्थ। जहाँ स्मार्टनेस की बात होती है या हेल्दी लाइफ जीने की बात है, तो सबसे पहले जो है अपने हेल्थ पर फोकस करें। ये नहीं कि आप एक लड़की हैं तो आपको ये खाना ज़रूरी नहीं है, वो खाना ज़रूरी नहीं है, या ये आप सोचती हैं मुझे करेला अच्छा नहीं लगता तो मैं करेले की सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, तो ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको हेल्दी होने के लिए हर सब्ज़ी खाना चाहिए। सब्ज़ी बहुत सारी लड़कियां हैं, टीनेजर गर्ल्स हैं, जो करेला खाने से अवॉइड करती हैं या नहीं खाती हैं, तो उन्हें सारी चीज़ें खानी चाहिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें बार बार मम्मी को नहीं बोलना पड़े कि बेटा ये सब्ज़ी खा लो, प्लीज़ खा लो, नहीं। आपको खुद से आपका हेल्थ का ध्यान रखना है, क्या खाना चाहिए, किस चीज़ में प्रोटीन मिलती है नहीं मिलती है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आपको हर तरह की सब्ज़ी खानी चाहिए, और आपको पानी कब पीना है, खाना कब खाना है, आपका एक रूटीन होना चाहिए। अपने डाइट को भी लेके आपका एक रूटीन होना चाहिए, जिससे कि आपका हेल्थ जो है अच्छा रहे। तो टेक केयर ऑफ हेल्थ, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट से डू सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी खुद की रिस्पेक्ट आप करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि गर्ल्स को शुरू से ही सिखाया जाता है कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करो, बड़े की रिस्पेक्ट करो, अपने भाई की रिस्पेक्ट करो, सभी की रिस्पेक्ट करो, लेकिन खुद की रिस्पेक्ट करना उन्हें नहीं सिखाया जाता है। तो आप गर्ल्स हो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आया और आपको कुछ भी बोलकर चला गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जो खुद की रिस्पेक्ट करता है, जैसे आपका कोई नाम भी बोले तो रिस्पेक्ट के साथ बोले, क्योंकि जो लोग नाम सही से बोलते हैं वो रियल में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। चाहे आपका फैमिली का मेंबर कोई हो या बाहरी आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप खुद का रिस्पेक्ट करें, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। गर्ल्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी कुछ भी कहता रहे, कुछ भी कह के चला जाए और आप चुपचाप सुनती रहें, ऐसा नहीं है। आप सुंदर हैं, आपका फेस अच्छा है नहीं है, ये मायने नहीं रखता। आप काली हैं, इसका मतलब ये नहीं आप मोटी हैं तो आपको कोई भी कुछ भी कह के चला जाए, कितनी मोटी है तो कितनी काली है, तो ये चीज़ दूसरे आपके बारे में कह रहे हैं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे आप जैसी भी हैं, गोरी हैं, काली हैं, लंबी हैं, छोटी हैं, जैसी भी हैं, आप अपने आप को मतलब मेंटेन कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है अपना रिस्पेक्ट करना ही छोड़ दें। तो डू सेल्फ़ रिस्पेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि टीनेजर एज में बहुत सारी लड़कियां जो हैं इन चीज़ों में फंस जाती हैं, अपनी सुंदरता को लेके या कोई हैबिट्स को लेके, पढ़ाई को लेके, कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो इस जो एटीट्यूड है, नज़रिया है, इसको आप चेंज करें। आप सोचें कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा और आप में आत्मविश्वास होगा, आप इम्प्रूव कर पाएंगी अपने आप को, और कुछ भी कोई भी कार्य आप कर सकती हैं, इस तरह का आपको सोचना चाहिए। तो अपनी रिस्पेक्ट आप ज़रूर करें। नेक्स्ट पॉइंट है बी सिंपल। आप सिंपल रहें। गांधी जी का एक स्टेटमेंट भी है कि सिंपल रहो और सोच अपनी ऊँची रखो, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। इसलिए आपको भी सिंपल रहना चाहिए, लेकिन सिंपल है इसका मतलब ये नहीं कि आप बहन जी टाइप की हैं या आपको कोई बहन जी कहें। सिंपल मतलब लाइट मेकअप, हल्का मेकअप आप ज़रूर करें जो आपके फेस के हिसाब से हो, और सिचुएशन के हिसाब से आप मेकअप करें। जैसे पार्टी में जा रही हैं तो पार्टी के जैसा मेकअप करें, घर में रह रही हैं प्रतिदिन तो रेगुलर आप सिंपल मेकअप करें। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आपको कब कहाँ किस तरह से मेकअप करनी है। इस तरह से आप सिंपल रहें, अच्छे से रहें। फोर पॉइंट से बी रिस्पॉन्सिबल। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। आप टीनेजर बेटियां हो, 10+2 में हो, या स्मार्ट गर्ल बनना चाहती हो, तो आपको बड़ी स्मार्टनेस से अपने पेरेंट्स का विश्वास जीतना होगा, उनका दिल जीतना चाहिए आपको, ट्रस्ट आप पर, वो ट्रस्ट कर सके, विश्वास कर सके।
तभी आप कोई भी हायर एजुकेशन के लिए उनके सामने प्रस्ताव रखेंगे कि पापा मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो आपका साथ देंगे, सपोर्ट देंगे कि हाँ मेरी बेटी इस लायक है, ये कर सकती है, ये पढ़ती है, पढ़ने में बहुत अच्छी है और मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं कर सकती है। तो इस तरह से पेरेंट्स का दिल और विश्वास आपको जीतना होगा। इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने घर की छोटी छोटी जो जिम्मेवारी होती है वो आपको लेनी चाहिए। जैसे कि मम्मी अगर मार्केट से आ रही हैं तो सबसे पहले आप उनके हाथ से जो सब्जी का थैला होता है उसे ले लें और उनको एक गिलास पानी दे और उनके बारे में पूछें कि मम्मी आप थक गई हो तो एक कॉफ़ी बना दें, चाय बना दें, तो मम्मी को कितना अच्छा फील होगा आप समझ भी नहीं सकती कि उन्हें कितनी खुशी होगी कि मेरी बेटी कितनी स्मार्ट है, कितनी समझदार है, कितनी मैच्योर होगी, कितनी अच्छी है। पापा अगर ऑफिस का कोई काम करते हैं, आपको मोबाइल का बहुत अच्छा नॉलेज है, लैपटॉप का नॉलेज है, तो डिजिटल नॉलेज है, तो आप उनके कार्य में हेल्प कर दें तो इससे क्या होगा कि पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको घर की छोटी छोटी जिम्मेवारी, जैसे छोटे भाई हैं तो उसको पढ़ाना चाहिए, आपको कुछ नहीं आए तो बता देना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उससे हमेशा लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है ना कि पेरेंट्स समझते हैं कि मेरी बेटी अब होशियार हो गई है, बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, आपके प्रति उनका ट्रस्ट और विश्वास बढ़ता है। तो इस तरह से आपको रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। 5 पॉइंट्स है कि सेट बाउंड्री, आप खुद समझदार बने, मैच्योर बने और भी स्मार्ट बने। अपने लिए आप बाउंड्री खुद सेट करें कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और रात में मुझे कितने देर तक पार्टी करनी है, कितना देर घर से बाहर रहना है, कौन सी ड्रिंक हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, मुझे नहीं पीनी चाहिए, उसे कितना भी कोई फोर्स करे तो आपको नहीं पीना है, गंदी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो इस तरह से आप अपने लाइफ में अनुशासन, डिसिप्लिन भी सेट करें कि मुझे कब तक पढ़ना है, कब से कब तक पढ़ाई करनी है, कब से कब तक खेलना है, दोस्तों से बातचीत का, मोबाइल चलाने का भी एक टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि आप सारा समय मोबाइल पर ही अपना व्यतीत कर दें, पढ़ाई को टाइम नहीं दें या आपका समय यूं ही चला जाए। तो ये समय बनने और बिगड़ने का होता है। टीनेजर का जो टाइम होता है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट समय है ये, अमूल्य जो समय है इसकी आप कद्र करें। तो समय की, जो इंसान समय की कद्र करता है ना, तो एक समय के बाद उसकी कद्र होने लगती है। तो इस चीज़ को आप अगर स्मार्ट गर्ल बनना चाहती है, अपने लाइफ में ग्रो करना चाहती हैं, तो समय को महत्व दें और स्मार्ट बने। अपने लिए एक बाउंड्री सेट करें कि मुझे किस टाइप के लड़कों से बात करनी है, कितनी बात करनी है, और कौन सी एक बाउंड्री है जिससे मुझे क्रॉस नहीं करना है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। 6 पॉइंट है बी स्मार्ट, बी मैच्योर। आप अब स्मार्ट हो जाओ, समझदार हो जाओ, स्मार्टली हर काम करने की कोशिश करो कि कम समय में आप कितना अधिक से अधिक काम कर सकते हो, पढ़ाई का काम हो या आपका मेकअप हो या कोई भी वर्क हो, हेल्प करने की बात हो, और थोड़ा सा सामाजिक भी बने और हेल्प करने की आदत भी आप में होनी चाहिए। अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करो, क्योंकि जो जिसका दिल बड़ा होता है ना, वही स्मार्ट रियल में होता है। तो अपने दिल को बड़ा करो कि हम लड़की हैं तो क्या हुआ, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी सोच आज़ाद होनी चाहिए और आप अपने आप पे भरोसा कर सको। तो इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए कि अब आप मैच्योर हो गए हो, तो मैच्योर जैसी हरकतें भी दिखानी जरूरी है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, बचपना आपको छोड़ना चाहिए। 7 पॉइंट से डोंट फॉल इन लव, मतलब कि प्यार के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि आपका जो एज होता है ना, ये लाइफ में कुछ करने का, 10+2 टीनेजर आप लड़की हैं तो आपको लाइफ में कुछ करने का यही समय है। तो इस समय को आप यूटिलाइज़ करें और इन सब चक्रों से आपको बचना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।